अध्याय तीसरा ग्यारहवां श्लोक। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। तथा जो व्यक्ति जागता रहता है, जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में किया जा सकता है। भाग्यवादियों और पुरुषार्थ का समर्थन करने वालों से कोई यह पूछे कि इन दिनों को अलग अलग पहचानोगे कैसे? जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता रहता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान समझता है, वह पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है कि मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अर्थात विवादों का समाधान है मौन। यह बात जीवन में सभी पक्षों पर लागू होती है। जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय की आशंका नहीं रहती। जिस व्यक्ति को आलस्य, असावधानी और गफलत में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। उसका न तो आज है न कल।